टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की जीत के बाद फिर बदला पॉइंट टेबल। दोस्तों आज टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला गया। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए इंग्लैंड के लिए आज का मैच जीतना जरूरी था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 179 रन बनाए। कप्तान जोस बटलर ने 47 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेली तो वहीं एलेक्स हेल्स ने 40 गेंदों पर 52 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने 36 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान केन विलियमसन ने 40 रन बनाए। इंग्लैंड ने यह मुकाबला 20 रन से जीता। इस जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है। ग्रुप एक में अब इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 5-5 अंक है और इन तीनों टीमों को एक एक मैच और खेलना है। ऐसे में ग्रुप एक में ये तीनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है। वहीं श्रीलंका भी सेमीफाइनल की दौड़ में है। ग्रुप एक के पॉइंट टेबल की बात करें तो नंबर एक पर न्यूजीलैंड की टीम है जिसके 4 मैचों में 2 जीत के साथ 5 अंक है। तो वहीं दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है जिसके 4 मैचों में 2 जीत के साथ 5 अंक है। वहीं तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के भी 4 मैचों में 5 अंक है। चौथे नंबर पर श्रीलंका 4 मैचों में 4 अंक के साथ, 5वें नंबर पर आयरलैंड 2 अंक के साथ है। तो वहीं छठे नंबर पर अफगानिस्तान है 2 अंक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।